नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं मेरे साथ टेक विद तरुण। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 2020 की टॉप 5 एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि आपके फोन में 2021 में होना जरूरी है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस लिस्ट में हमारी पहली एप्लीकेशन है DU Box। DU Box एक क्लाउड स्टोरेज टाइप एप्लीकेशन है। इसमें आप आसानी से अपना डाटा बैकअप करके रख सकते हैं। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि इसमें आपको 1 TB तक का स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। इसमें आप फोल्डर वाइज भी अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें आप ऑटोमेटिक बैकअप का ऑप्शन भी अनेबल करके रख सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी एप्लीकेशन है हमारी आज के लिस्ट में Calendar Zero ऐप। दोस्तों Calendar Zero ऐप आपको नाम से लग रहा होगा कि एक कैलेंडर एप्लीकेशन है, पर असल में ये एक कैलेंडर एप्लीकेशन नहीं है। ये एक मूवीज वेब सीरीज देखने के लिए एक एप्लीकेशन है। इसमें आप इजीली नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, अल्ट बालाजी जैसे और भी कई OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हुई मूवीज वेब सीरीज को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐप काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी मूवीज अपलोड हो जाती हैं। जैसे कि अभी वंडर वुमन मूवी लेटेस्ट ही रिलीज हुई है, तो आप देख सकते हैं कि वो मूवी भी इस ऐप में आ चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ऐप? तो दोस्तों इसके बाद है हमारी थर्ड ऐप जिसका नाम है मैजिक कॉल, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है आज के लिस्ट में। इसमें आप एक्चुअली अपना वॉइस चेंज करके किसी को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप लड़की की आवाज़ में कॉल कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग की आवाज़ में, और इसी तरह और भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पर इसमें जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है, वो लगता है मुझे इसमें आप रेन, ट्रैफिक एट्सेट्रा की बैकग्राउंड नॉइज के साथ भी किसी को कॉल कर सकते हैं, और जो कि हम जैसे लोग काफी झूठ बोलते हैं, जैसे कि मैं ट्रैफिक में फंसा हूं तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा काम में आती है। तो दोस्तों इस ऐप का एक ड्रॉबैक भी है, पर इसमें आपको स्टार्टिंग में जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ ही क्रेडिट मिलेंगे, जिससे आप शायद 30 सेकेंड के अराउंड कॉल कर पाओगे। उसके बाद अगर आप किसी को रेफर करते हो तो इसमें आपको 50 रुपीज मिल जाएंगे, जिनका यूज करके आप इजीली किसी को भी कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों इस लिस्ट में मेरी अगली फेवरेट एप्लीकेशन है मास्क रिमाइंडर। ये मास्क रिमाइंडर एप्लीकेशन एक बहुत ही यूजफुल ऐप है आज के टाइम में, जब से कोरोना चला है। तो जैसे हम यूजुअली मास्क पहनना भूल जाते हैं, तो इस ऐप में आप इजीली अपनी लोकेशन को सर्च करके, जैसे आप अपने घर की लोकेशन को सर्च करके इसमें सेफ जोन की तरह सेट कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप इस लोकेशन को छोड़ते हैं तो तभी ये आपको एप्लीकेशन रिमाइंडर देने शुरू हो जाती है कि आप अपना मास्क पहन लीजिए, आप अब अपने सेफ जोन के बाहर हैं। तो दोस्तों ये आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिस्ट में आखिरी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड वेब ब्राउज़र है। इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और आप इसमें न्यूज़ वगैरह भी इजीली पढ़ सकते हैं, और इसमें आपको बहुत से और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको एक बहुत ही खास ऑप्शन मिलता है जो कि है इन प्राइवेट टैब, जिसके थ्रू आप प्राइवेट ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी कुकीज़ वगैरह सेव नहीं होंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि इस ब्राउज़र में आता है। तो आजकल मैं भी इस ब्राउज़र को अपने प्राइमरी ब्राउज़र की तरह ही यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा इसे आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और हाँ, इसकी खास बात एक ये भी है, जैसे ही आप इसमें कोई साइट खोलते हैं तो उसमें ऊपर एक लॉक का बटन आ जाता है URL के साथ, जिस पे क्लिक करके आप साइट की बहुत सी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि ये साइट सिक्योर्ड है या नहीं। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी कुछ खास एप्लीकेशंस। अगर आपको ये एप्लीकेशंस पसंद आई हैं तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आज की इन एप्लीकेशंस में से आपकी फेवरेट एप्लीकेशन कौन सी थी।